नमस्कार, आज हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसका आयोजन ब्राजील के रियो डे जेनेरो में किया गया। यह सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992 को आयोजित किया गया। यह विश्व स्तर का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 182 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 150 से भी अधिक देशों ने अभी समय पर हस्ताक्षर किए। सम्मेलन के समक्ष विचारणीय प्रमुख मुद्दे वनों का प्रबंधन, प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंधन, संस्थागत प्रबंधन, प्रौद्योगिकी का अंतरण, जैव विविधता और पोषणीय विकास है। उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु विकसित एवं विकासशील देशों ने अपना अपना विचार रखा था, जिस पर सर्वसम्मति के बावजूद कुछ विषयों पर मतभेद था, जैसे वन, हरित गृह, गैस उत्सर्जन, जनसंख्या, वित्त, तकनीक अंतरण, औद्योगिकरण का लाभ आदि। भारत ने 13 जून 1992 को प्रस्ताव रखा कि पर्यावरण सुधारने के लिए औद्योगिक क्रय हेतु एक पर्यावरण संरक्षण निधि स्थापित की जाए। सम्मेलन के संपूर्ण सत्र के बाद 14 जून 92 में मंत्रियों के दल ने विचार विमर्श के बाद कार्यसूची एजेंडा 21 के क्रियान्वयन हेतु निधि के लिए अपनी सहमति दी, जिससे कि अवरोध के बाद समाप्त हो गया। फिर भी कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए सम्मेलन की अवधि बढ़ा दी गई। तृतीय विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले 77 देशों का दल निश्चित कर सका कि विश्व पर्यावरण सुविधा पर कौन कौन सी शर्तें लागू नहीं होगी। पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियां, जिसमें 150 से अधिक देशों का सहयोग मिला है, यह है रियो घोषणा, कार्यसूची, जैव विविधता अभिसमय, जलवायु परिवर्तन अभिसमय और वन सिद्धांत। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। पहला, समाज एवं राज्य, राष्ट्र और जन सामान्य के मध्य नए स्तर का सहयोग निर्माण के माध्यम से नवीन एवं सामूहिक विश्व स्तरीय व्यवस्था की स्थापना की जाए और जन सामान्य के हितों के आदर एवं विश्व पर्यावरण तथा विकास की अनिश्चितता के संरक्षण को प्रोत्साहन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्राप्ति की जाए। इस सम्मेलन में जैसा कि बताया कि 4-5 प्रमुख उपलब्धियां रही है। सबसे पहला है रियो घोषणा। रियो घोषणा पृथ्वी सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसे 14 जून 1992 को सर्वसम्मत से इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। रियो घोषणा में 27 सिद्धांत है, जिसमें 182 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। रियो घोषणाएं आपके सामने में प्रस्तुत हैं। दूसरा है कार्यसूची, इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। एजेंडा 21 पर्यावरण के विकास के लिए व्यापक एवं दीर्घकालीन योजना है। यह योजना सन 1990 से 1992 के मध्य बैठक में तैयार की गई। पृथ्वी सम्मेलन द्वारा 1992 में 900 पृष्ठों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसमें 182 देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर है। इस एजेंडा की मुख्य योजना में मुख्यतः
आर्थिक असमानता एवं पारिस्थितिक विनाश को समाप्त करना है। इस एजेंडा में मुख्य रूप से जिन पहलुओं पर ध्यान दिया गया वो इस प्रकार से हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। इसके अंतर्गत धरातल, स्वच्छ जल, वन संसाधन, कृषि एवं खाद्य, जैव विविधता, ऊर्जा संसाधन, जैव तकनीक, और दूसरा है जीवन की गुणवत्ता, जिसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन, संसाधन खपत के प्रति मानव का परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण और स्वास्थ्य स्तर का ऊपर उठना। तीसरा है संसाधनों का संरक्षण, वायुमंडलीय संरक्षण और खार जल संरक्षण। चौथा है रसायन एवं अपशिष्ट का प्रबंधन। इसके अंतर्गत विषैला रसायन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और संकटमयी अपशिष्ट आते हैं। पांचवा, पोषणीय आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, व्यापार एवं पर्यावरण के मध्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय विधिक लिखित, विश्व स्तर प्रौद्योगिकी का अंतरण। फिर छठवा है कार्यसूची का कार्यक्रम, जिसमें बालकों की भूमिका, युवकों की भूमिका, स्वदेशी लोगों की भूमिका, कृषकों की भूमिका, विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका, एजेंडा 21 का वित्त पोषण और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सम्मिलित है। अगला है मानवीय व्यवस्थापन। अगला जो है यह है जलवायु परिवर्तन अभिसमय। जलवायु परिवर्तन से ओजोन परिवर्तन या ओजोन परत की क्षीणता, हमें इसे कह सकते हैं, का प्रभाव अधिक बढ़ने के कारण इस महासभा ने 6 दिसंबर 1988 को एक प्रारूप तैयार किया था, जिसमें मानव जाति को जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों पर चिंता जताई थी। जलवायु परिवर्तन के अभिसमय में अनेक दृष्टि से प्राथमिकता इसे दी गई। इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, इसमें पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव से विश्व में बढ़ने वाली समस्याओं का समाधान। जलवायु परिवर्तन के अभिसमय को यह स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के विकास से अंतर्राष्ट्रीय सहायता में वृद्धि होती है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य पर्यावरण विकास के उद्देश्य को सहयोग मिलता है। पोषणीय विकास को उच्च स्तर प्रतिबद्धता में परिवर्तित करता है। हरित गृह प्रभाव का अध्ययन विस्तार पूर्वक करता है। आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग एवं सुविधा के लिए लोक जागृति उत्पन्न करता है। अगला है जैव विविधता अभिसमय। 22 मई 1992 को नैरोबी में जैविकीय विविधता अभिसमय किया गया। इसमें जीव एवं वनस्पति के जीन संरक्षण के लिए प्रारूप बना था। इस अभिसमय का प्रमुख उद्देश्य वनस्पति एवं जीवों के जीन के ह्रास को रोकना और उनके संरक्षण के लिए जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य किया जाना है। इस अभिसमय के प्रमुख तत्व जो है तकनीक का अंतरण किया जाना, जैव तकनीक कार्यों को विनिमयित किया जाना, प्राइवेट कंपनियों का दूसरे राष्ट्र के पर्यावरण पर प्रभाव के लिए विधिक लागू करना, यदि देशों द्वारा जीन का शोषण होता है तो निष्कर्षण के लिए प्रतिकार दिया जाना और जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयास करना। अगला है वन प्रबंधन सिद्धांत। वन प्रबंधन एवं संरक्षण विश्व स्तर पर सबसे प्रभावी अभिसमय है। इसको पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही स्वीकार किया गया था। इस अभिसमय का प्रमुख उद्देश्य वनों की कटाई पर नियंत्रण लगाया जाए, लेकिन विकासशील देश अपनी प्रभुता पर अतिक्रमण इसे मानते रहे हैं। भारत ने भी इस पर आपत्ति लगाई। अंत में काफ़ी विचार विमर्श के बाद वन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसमें जो प्रमुख सिद्धांत है यह है वनरोपण, वनों की कटाई रोकना, वन पुनरुत्पादन और वन
रोपण, पुनः वनरोपण की प्रक्रिया। वन सिद्धांत को लागू करने के लिए दिल्ली में 1 सितंबर 1993 से 3 सितंबर 1993 तक एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसको विकासशील देशों ने वन मंच नाम दिया। इसमें 40 विकासशील देश एवं 9 विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें विकासशील देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि पृथ्वी सम्मेलन में जिन सिद्धांतों की घोषणा की गई उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। धन्यवाद।